सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। एंड दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मथुरा में। दोस्तों, लगभग 6 बजे के आसपास हम जो है सुबह निकल चुके थे एंड हमने जो कैब बुक कराई थी ताकि जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। अब हम जा रहे थे रेलवे स्टेशन की ओर। अब हम पहुंच तो गए थे वैसे बहुत जल्दी, क्योंकि 7 बजे थी लगभग ट्रेन। थोड़े बहुत वेट के बाद फिर वी आर फाइनली इन ट्रेन। अब की थोड़ी मजाक मस्ती, आप चार दोस्त में तो आराम से टाइम पास हो ही गया हमारा, और हम पहुंच गए मथुरा। पहुंच गए मथुरा, राधे राधे। क्या बात है, अब मथुरा पहुंचते ही यार एक अलग सी वाइब आ रही थी गाइस, मतलब एक मानो अलग सी पॉजिटिव एनर्जी। अब हमने जो है ऑटो वगैरह किया एंड हमको जाना था हमारे धर्मशाला में। अब हमने जो एक जैन धर्मशाला जो है मतलब बात कर ली थी पहले ही कि वहीं पर रहना है, वहीं पर खाना है, वहीं से है जो हमको घूमने निकलना है। तो बस वहीं पर गए, हमने कराई हमारी जो भी बुकिंग वगैरह थी एंड बुकिंग वगैरह कराने के बाद हमने खाया खाना। खाना अच्छा था, बहुत अच्छा था सीरियसली। फिर हम गए हमारे रूम में। रूम हमारा थोड़ा नीचे था, मतलब अंडरग्राउंड में लिया था, क्योंकि यार गर्मी वगैरह तो बढ़ी गई थी, तो सोचा हुआ थोड़ा नीचे कूल कूल रहेगा तो सही रहेगा। अब रूम हमने जितना सोचा था उससे काफ़ी अच्छा निकला गाइज। एंड देन हम निकल गए हमारे फर्स्ट स्पॉट के दर्शन के लिए। दोस्तों, बैठ गए ऑटो में, अब जा रहे हैं हम अभी जन्म कृष्ण जन्मभूमि नाम से जो टेम्पल है। टेम्पल ही है, जन्मभूमि, वहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। अब बस वही देखने जा रहे हैं, अब वहीं पर जा रहे हैं, वहाँ से हम द्वारकाधीश का आगे का प्लान बनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे। दोस्तों, आप पियेंगे लस्सी स्पेशल, बन रही है यहाँ पर स्पेशल लस्सी। तो गाइज यार, अगर आप भी वृंदावन मथुरा आ रहे हो तो यार मेरी एक बात जरूर रख लेना, दबा के लस्सी पियो गाइज, टोटली वर्थ इट है यार। फिर दोस्तों, हम हमारे सफर में आगे बढ़े और हमें ये सुंदर सी घाट दिखी, मतलब बहुत सही था। यह हमारा जो कृष्ण जन्मभूमि का द्वार है उसके जस्ट सामने बनी हुई है। एंड अब हम जाएंगे अंदर और बताते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि यार कृष्ण जन्मभूमि के अंदर हम जो है मोबाइल फोन्स नहीं ले जा सकते, अलाउड ही नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है। पर हमने एक जुगाड़ से जो है अंदर की कुछ क्लिप्स ली है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। बाहर आके वहीं के लोकल मार्केट से जो है हमने राधे राधे के जो ये टी शर्ट्स ले लिए, ताकि अगले दिन चारों भाई पहनेंगे, एक जैसे लगेंगे मस्त। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत मार्केट ऐसे ही घूमा यार, मतलब नाइट लाइफ इज वाओ, मतलब मज़ा आ गया यार। वहाँ के स्ट्रीट फूड्स वगैरह भी खाए, मतलब बहुत सही था, मज़ा आ गया भाई। तो घूमने फिरने के बाद अब हम हमारे रूम पर वापस आ गए। एंड यार, अब हमारा प्लान ऐसा था कि हमको बस नेक्स्ट मॉर्निंग निकलना है विश्राम घाट के लिए, जो कि यहाँ से थोड़ा आगे पड़ती है। फिर हमने सुबह ऑटो किया गाइज एंड हम पहुंच गए विश्राम घाट वाली गली में, और द्वारकाधीश टेम्पल और विश्राम घाट दोनों पास में है, दोनों मेन स्पॉट्स हमारे बच रहे थे। एंड अब हम करेंगे बोटिंग, और थोड़े बहुत जो स्पॉट्स है वो हम बोटिंग से ही घूम लेंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे द्वारकाधीश टेम्पल। यार काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा था सीरियसली, पर यार कचरा आप देख सकते हो यार, यमुना का पानी बहुत ज़्यादा गंदा है गाइज। चलो बोटिंग की जाए। बोलो राधे राधे। हाँ, ये पानी इतना गंदा कैसे हो रहा है? उधर है ऐसा, यहाँ किनारे किनारे पे इतना कचरा है यार, कचरा देखो गाइस, इतना कचरा। बस यहाँ यहाँ का सारा घुमा देना भाई एक बार का पूरा। दोस्तों, यमुना का पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, पर यहाँ की भक्ति और सुंदरता ने उस कहावत को सच किया है। वह मधुर यमुना की जिसमें शुद्ध अमृत सा जल भरा है, वह मधुर ब्रज भूमि जिसको कृष्ण के उड़ने वरा है, स्वप्न में भी नाम सुनकर धड़कने लगता हृदय है, मधुर मथुरा में न जाने कौन सा जादू भरा है।